एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2019 का एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये एक्चुअली जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल रही हूँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। ये ऐसे नहीं कि एमडीयू में ही यही कंसेप्ट आएंगे, आप डीयू का दोगे, सीयू सेट दोगे, जेएनयू दोगे, किसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करें। क्या क्वेश्चन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विड्थ 10^-14 मीटर। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या गिवन है? 6.4 × 10^-27। ये एक्चुअली एमडीयू 2019 में नहीं पूछा गया है। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट डाली थी कि मैम इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए कमेंट्स में, लेकिन ऐसा ही कंसेप्ट अगला क्वेश्चन में डालूंगी। 19 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है ऑलमोस्ट, तो मैंने इसी वजह से इस कंसेप्ट को यहाँ भी कवर अप किया है। क्या है ये? है आपके पास जो है पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है। ये हाइट ऑफ पोटेंशियल है, कितना है पोटेंशियल आपको गिवन? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये वी नोट बोल रहे हो इसको। एनर्जी क्या गिवन है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लासिकली क्या देखोगे आप? एनर्जी क्या है? लेस देन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, तो पार्टिकल यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो किया जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग अगर आपने पढ़ी है तो वो क्या है, इन केस एनर्जी लेस देन वी नोट है, स्टिल वो पार्टिकल टनलिंग से एंटर कर सकता है। तो विड्थ क्या गिवन है इसकी? यहाँ पे यहाँ तक है, लाइक एक्स इज इक्वल टू 10^-14 मीटर, जिसको एल से डिनोट करें। ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पढ़ी है। अगर जो है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज स्टिल लेस देन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, इट कैन पेनीट्रेट द बैरियर, यही मैंने वर्ड्स में लिखा है। क्लासिकली पार्टिकल कैन नॉट पेनीट्रेट द बैरियर, वाइल क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल पेनीट्रेट द बैरियर। क्या कौन सा है ये कंसेप्ट? ई लेस देन वी नोट। ये जो है मैंने ई लेस देन वी नोट का, ग्रेटर देन वी नोट का, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने बीएससी फाइनल ईयर की थर्ड यूनिट की प्लेलिस्ट आप देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स की, उसमें कंसेप्ट भी डाला हुआ है अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है उसमें? एक्सपोनेंशियल ऑफ -2k^L, वेयर एल तो आपको गिवन है, ये जो बुक्स है यह एंटर किया है, कहाँ तक गया है वो पार्टिकल टनलिंग से, उसकी ट्रांसमिशन कहाँ तक हुई है? 10^-14 मीटर। के टू क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान से पढ़िए आप, स्केयर रूट ऑफ 2m × V0 - E / H² स्केयर। अगर आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन वी नोट होती तो वो क्या होता है? E - V, जिसको आपने K1 से दिखाया था। ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बुक्स अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। और जो भी मैंने एमडीयू के सॉल्यूशन डाले हैं, डीयू के एग्जाम के सॉल्यूशन डाले हैं, उनमें भी आपने देखा होगा वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी थ्योरी भी डाली हुई है मैंने बीएससी फाइनल ईयर थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर K1 K2 मैंने फुल डिस्क्राइब किया है। K2 का ये फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय स्केयर रूट, H² स्केयर का स्केयर रूट, और यू कैन राइट 2m × V0 - E / H². वी नोट क्या है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हाइट टू पोटेंशियल बैरियर है। एनर्जी गिवन थी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच क्रॉस की वैल्यू गिवन भी है और आपको याद भी होगी, 1.05 × 10^-34। ये मैंने एच क्रॉस लिखा है, ध्यान रखें। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखा है, जो कि किसका 4 टाइम्स होता है? मास ऑफ प्रोटोन का 1.67 × 10^-27 के जी। तो K2 की वैल्यू निकालिए यहाँ से, 2 × m क्या है? 6.4 × 10^-27। V0 - E 10 ये था, 5 ये था, क्या रह गया? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जूल में आइए, 5 × 1.6 × 10^-13 डिवाइडेड बाय एच क्रॉस क्या है? 1.054 × 10^-34, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू, इसके ये रूट के अंदर सोल्व कीजिए, 102.40 × 10^-40 डिवाइडेड बाई 1.054 × 10^-34, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू, इसका स्केयर रूट को सोल्व कीजिए, 10.12 / 1.054 × 10^-40 को सोल्व कीजिए, 10^-20 / 10^-30 दैट इज़ इक्वल टू 9.60 × 10^-40। K2 आ गया आपके पास, जो है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी या टनलिंग से प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ -2k^L। अच्छा क्वेश्चन दिया है वैसे आपने पूछा है, मुस्कान बंसल ने कमेंट किया हुआ था, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 × 9.60
0 इंटू 10^14 इंटू एल, एल आपके पास क्या गिवन थी, विड्थ जो थी क्या थी पोटेंशियल बैरियर की, एल 10^-14, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्सपोनेंशियल ऑफ -18.20 दैट इज़ फर्दर इक्वल टू, हो सकता है ये वैल्यू कैलकुलेशन गिवन होगी आपको बता दी जाएगी, 1.24 × 10^-8, दिस इज़ राइट आंसर। इसी तरह से एक बच्चे ने और कमेंट किया हुआ है, प्रबोध करके है उसने, फ्रेजनल बायप्रिज्म पे क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रेजेस कितने आएंगे, उसको मैंने सोल्व कर लिया है, वो 5 के अराउंड आ रही है, 5.24 कुछ ऐसा। तो अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी, अगर आइडिया हो तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड 19 में आया हुआ है, देखिए बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट आया है, यही है सिमिलर। क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या ले लिया, आपने इलेक्ट्रॉन लिया है जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको आपने बैरियर पर डाला है जिसकी एनर्जी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से वही केस है, एनर्जी क्या है लेस देन वी नोट है एंड 0.50 नैनोमीटर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है, हैज़ ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग थ्रू इट इफ़ इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाई प्रोटोन, यानी एक बार आप यहाँ भी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये तो और लेंदी हो गया, फिर आप प्रोटोन से निकालो, यानी इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करो फिर प्रोटोन का करो, टनलिंग प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करो, वही फॉर्मूला डिटो, इंक्रीज करेगी फैक्टर ऑफ 2 से, डिक्रीज करेगी, अनचेंज रहेगी या डिक्रीज करेगी बाई फैक्टर ऑफ 2। टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अभी मैंने निकाला था लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 K2L, K2 की वैल्यू क्या है, वी नोट जो है ग्रेटर देन ई है, उस केस में हमने K2 यूज़ किया है, मैंने आपको बता दिया है BSc फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स की 3rd यूनिट की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ये सभी कंसेप्ट मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, 2m × V0 - E / H² था स्केयर रूट के अंदर, तो उसका जब आपने स्केयर रूट लिया तो इट कम्स आउट टू बी H² वैल्यूज़ यूज़ कीजिए, 2 × m, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10^-31, वी नोट आपके पास कितनी है 10 है, एनर्जी आपके पास दिख भी रही है 2 है, इंटू जूल में कन्वर्ट करें, वहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो 10^-13 से किया था 1.6 के साथ, यहाँ पे 1.6 × 10^-19 / 1.054 × 10^-34, इट कम्स आउट टू बी 14.5 × 10^9। अब आप 2 K2L कैलकुलेट करना है आपको, 2 × K2 की वैल्यू है 14.5 × 10^9, एल की वैल्यू है आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू है 0.50 नैनोमीटर, और यू कैन सी 5 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10^-10 दैट कम्स आउट टू बी 14.5 दैट इज़ फर्दर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -14.5 इट कम्स आउट टू बी 5.04 × 10^-7। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 14 था तो एक्सपोनेंशियल में 10^-7 आ गया है, थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, आपके पास 653 का एक्सपोनेंशियल लोगे तो 10^-, इसके अराउंड हाफ आ रहा है, हाफ तो नहीं और कम है। अब मैं प्रोटोन के लिए कैलकुलेट करूँगी वही फॉर्मूला, नाउ वी हैव यूज्ड K2' 2m × V0 - E / H², यहाँ पे मास किसका यूज़ करोगे आप, प्रोटोन का 1.67 × 10^-27 kg, वी नो 10 है, एनर्जी 2 है, इंटू 1.6 × 10^-19 / H², 1.054 × 10^-34 दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 42.75 × 10^-46। मैंने एक एक चीज़ को वैसे कैलकुलेशन सही से किया है, फिर भी आप अपना देख सकते हैं, 99% मैंने सही की है, डिवाइडेड बाई 1.054 × 10^-34 विच इज़ फर्दर इक्वल टू, इसका स्केयर रूट लीजिए, 6.54 × 10^-23 डिवाइडेड बाई 1.054 × 10^-34 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 6.538 × 10^-11। अब 2 K2' एल कीजिए, 2 × 6.538 × 10^-11 × 5 × 10^-10 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 653.8, और अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल लोगे तो क्या आ रही है 1.143 × 10^-284। ओके, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये तो काफ़ी डिक्रीज़ कर गई ना, यहाँ 10^-7 था, 10^-284 था, सो बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, उसको आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, आपको अलाउड एंगल्स बताने हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से देखिए अपना क्वेश्चन, जेड एक्सिस के साथ कोस इनवर्स ऑफ +-1/√3, कोस इनवर्स ऑफ +-√3/2, कोस इनवर्स ऑफ +-1/√2, कोस इनवर्स ऑफ +-1/2। देखिए इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो अलोंग जेड एक्सिस, क्या हो गया आपके पास
सो ये स्पेस क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है। आप देखो कि बीएससी फोर्थ सेम ऑनर्स का मैंने सिलेबस डाला हुआ है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर 45 के अराउंड लेक्चर हैं, उसमें स्पेस क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाता है आपके एंट्रेंस में अगर आपको करना है तो, उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो आप जेड एक्सिस के अलोंग, तो आपके पास क्या है, ये क्वांटाइज्ड होगा अलोंग जेड डायरेक्शन एस कंपोनेंट। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एस से दिखाते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच क्रॉस। अब जेड कंपोनेंट क्या होगा, इसका क्वांटाइज्ड होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एम एस इंटू एच क्रॉस, आप सभी को पता है एम एस इज इंटू एच बाई टू पाई। कोस थीटा क्या होता है, एस जेड बाई एस, फर्स्ट को डिवाइड कीजिए, सॉरी सेकेंड को डिवाइड कीजिए फर्स्ट से, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट, क्या आ गया एम एस डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, एम एस वैल्यू क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस हाफ, यानी स्पिन अप भी हो सकती है, स्पिन डाउन भी हो सकती है, अगर अप है तो एम एस की वैल्यू प्लस हाफ है, डाउन है तो माइनस हाफ है। यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, एस इंटू एस प्लस वन क्या हो गया, हाफ इंटू थ्री बाई टू यानी थ्री बाई फोर हो गया। अब ये क्या फॉर्मूला था, कोस थीटा इज इक्वल टू एम एस डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, एम एस डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस वन। ये अगर आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल गिवन होता तो भी आप यही यूज़ करते, एल जेड डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ स्मॉल एल इंटू एल प्लस वन। एम एस वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकती है, एस वैल्यू है हाफ, इनको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, प्लस माइनस हाफ डिवाइडेड बाई हाफ इंटू थ्री बाई टू, प्लस माइनस हाफ डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू से कैंसिल आउट हो रहा है तो प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आ गया। थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी आपको लेंदी लग रहा होगा एम सी क्यू के अकॉर्डिंग, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू, फिर आप लगाइए कि एक इलेक्ट्रॉन है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग पूछा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू हाफ, एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, सीधा सोल्व कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट था स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, कैसे डिस्क्राइब करोगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास कर रही है वो एक्सिस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रही है एक्सिस के अबाउट, वो सेंटर से पास कर रही है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रही हैं स्पीड ऑफ लाइट से और वहीं एक्सिस के अबाउट या नन ऑफ द अबाउट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप डिस्क्राइब करते हो स्पिन इन टर्म्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच क्रॉस, एस की वैल्यू होती है हाफ, अभी मैंने यूज़ की थी, और ये आ जाती है रूट थ्री बाई टू एच क्रॉस, नन ऑफ द अबाउट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लिमिट्स द साइज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस लिमिटेड हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स जो है वो लिमिटेड रेंज है, 10^-15 मीटर के अराउंड होती है जो न्यूक्लियस का साइज होता है, लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, नन ऑफ दी अबो। देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस किसके बीच में काम करती है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में काम करती है, अगर आपको याद हो न्यूक्लियॉन्स आपके होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं, इनका कैसा नेचर होता है आपका, अट्रैक्टिव नेचर होता है, और ये कहाँ तक काम करती है, 10^-15 मीटर, जो कि किसका साइज होता है, न्यूक्लियस का भी साइज होता है, सो लिमिटेड रेंज ऑफ शॉर्ट न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टार्क इफेक्ट है आपका, अगर आपने आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है उसको आपने एक्सटर्नल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हो वहाँ तो आपके पास जी मैन इफेक्ट आ जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास स्टार्क इफेक्ट आता है, तो ये वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो आपके पास ग्राउंड स्टेट दो लेवल में सब लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, फोर में थ्री में नन ऑफ द अबाउट, ये आपको याद होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राउंड लेवल जो है वो स्प्लिट नहीं होता है किसी भी लेवल में, सो वी हैव यूज्ड नन ऑफ द अबाउट ऑप्शन। ओके, आई होप आपके लिए कंसेप्ट यूजफुल होंगे, ये जस्ट एमडीयू के लिए नहीं, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो सबके लिए ही ये कंसेप्ट यूजफुल है, आप जो है अपना ऑल दी बेस्ट आपको और कैरी ऑन, थैंक यू।